बाजी सुनते हो? क्या हुआ? कल रात मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। अरे वाह! हाँ। मुझे तो सपने में सिर्फ ही दिखती हो। मैंने सपने में देखा अपना वाली राजा होकर आपकी गद्दी चला रहा है और सारी प्रजा उस पर बहुत खुश है। अच्छा? हाँ, जो मैंने सपने भी देखा वैसा ही हो जाए तो। हाँ, वैसा ही होगा। मैं कल ही उसे राजगद्दी पर बिठाता हूँ। अच्छा? मुझे भी देखना है मेरा बेटा कैसा राज चलाता है। कल उसका इम्तिहान लेंगे। क्या? तुमने तो सपने में देख लिया। अब मुझे भी देखना है कि मेरा बेटा राजगद्दी कैसे चलाता है। ठीक है। महाराज कहाँ है? राजा धीराज, गोलगप्पा के युवराज महाराज वाणी पधार रहे शास्त्री जी, दरबार में आने के लिए इतनी देरी क्यों हुई? चलो मुर्गा बनाओ। ये चक्कर क्या है शास्त्री जी? वाणी को महाराज ने एक हफ्ते के लिए सिंहासन पर बिठाया है, तब तक युवराज वाणी ही दरबार संभालेंगे। ओ देखो दामोदर, इन्हें मुर्गा बने हैं। संगीत पसंद है ना? हाँ हाँ, पसंद है। तो महाराज, हमारे सेनापति जी और चपड़ गंजू बहुत अच्छा गाना गाते हैं। आपके पिताजी भी इन्हीं से गाना सुनते हैं। तो फिर देख क्या रहे हो सेनापति जी। अजी चपल गंजू जी, शुरू करो अपना गाना। तुम्हें क्या हो गया है सेनापति? और जोर से गाओ, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आगे आकर गाओ। जी महाराज जी। वैसे तो चिपड़गंजू की तरह अच्छा गायक नहीं हो, लेकिन मैं बजाता आया हूँ। अरे मर गया रे, ढोल बजा बजा के मैं मर गया रे। तीनों ने तो एक बार
फौजी जी, अकेले सेनापति जी पूरी फौज के लिए काफी है। नहीं नहीं चपड़ गंजू, नहीं नहीं सेनापति जी, नहीं चपड़ गंजू, नहीं नहीं सेनापति जी। अरे चुप करो चुप करो, इसका फैसला हम अभी करेंगे। सेनापति जी और चपल गंजू जी, चलो लड़ाई शुरू करो, देखते हैं कौन जीतेगा। दामोदर, तुमने अपनी जगह दरबार में बंदर को क्यों भेजा? ये पूरे दरबार का अपमान है। आप गलत समझ रहे हो महाराज।
की है। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, आज सुबह से मेरा पेट दुख रहा है, इसीलिए मैं दरबार नहीं आ पा रहा। कल मुझे एक मदारी मिला, उसके पास भी यह बंदर था। उसने मुझे कहा कि ये बंदर बहुत ही होशियार है, चलाक है, चतुर है। तो मैंने ये बंदर अपने घर रख लिया। अच्छा, और आज जब मैं बीमार पड़ गया तो मुझे लगा कि क्यों ना मेरी जगह इस होशियार और चतुर बंदर को दरबार में भेजा जाए, ताकि मेरी वजह से दरबार का नुकसान ना हो। दामोदर, तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बंदर कितना भी होशियार और चतुर हो, लेकिन बंदर तो बंदर ही है ना, वो कैसे तुम्हारा पद चलाएगा? गुस्ताखी माफ महाराज, जैसे आपके सुपुत्र राजकुमार वाणी राजगद्दी पर बैठकर 7 दिन राज्य चला सकते हैं, वैसे ये होशियार और चतुर बंदर 1 दिन के लिए मेरा पद क्यों नहीं संभाल सकता?